एक लूज मोशन हुआ, दो लूज मोशन हुआ, चिंता मत कीजिए, सिंपल प्रोबायोटिक लीजिए। दादी आपकी बिल्कुल सही है, दादी से बात करना, दादी को नमस्ते बोलना मेरा, ठीक है? हो सके तो मेरी तरफ से उनके पेड़ छू लेना। दादी दादी बोलती है बेटा दही चावल खा ले। दादी जहां समझदार है, दादी को मालूम है कि दही में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, वो तुम्हारा गैस्ट्रिक इनफ्लोरा का डिस्टर्बेंस है जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको रिप्लेस कर देगा। दादी सब जानती है। उसने सही आइडिया दिया, एकदम परफेक्ट आइडिया दिया दादी ने। दादी ने कहा कि दही चावल खिला दो बहू इसको, ठीक है, बाहर का मत खाना मुन्ना। मुन्ना क्या सुनने वाले हैं, मुन्ना तो रोज बाहर जाके खाते है ना, आज बीमार पड़ेंगे कल फिर पहुंच जाएंगे, फिर खाने पहुंच जाएंगे मेला मेले में ठेले में। जो डकार आती है ना कई लोगों को खाना खाने के बाद, वो जल्दी जल्दी खाना खाने में कुछ कुछ एयर फूड के साथ अंदर जाती है, और जब वो एयर अंदर जाती है तो स्टमक में जगह नहीं होती उस एयर को एकोमोडेट करने की, तो डकार आती है ना खाना खाने के बाद, पेट फूल भरा गया। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मम्मी से कहीं पूछेगा, छोटे बच्चों को जब वो अपना फीड करते हैं, मदर्स मिल्क लेते हैं, खाना फीड करते हैं, उसके बाद में छोटे बच्चों को उठा के कंधे पर रखा जाता है और थोड़े समय लेके उनको पीठ को थतवाया जाता है, लेके घुमाया ताकि वो डकार ले लें और उससे उनकी जो स्टमक की गैस है वो बाहर निकले। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आप उनको लिटाओगे बगैर डकार ले लिटाओगे तो पूरा दूध बाहर निकाल देंगे वो। तो मदर ने इतनी मेहनत से उसको फीड कराया, वो बच्चा फिर से भूखा हो गया, ठीक है, इसलिए बच्चे को सीधा लिया जाता है। पूछेगा मम्मी से बताएंगे, सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है, हमारे जो लोग हैं ना सब जानते हो, बस मेडिकली पता नहीं कि क्यों ऐसा किया जाता है, पर उनको पता है, परंपरागत तौर पर पता है कि हाँ भाई ये करना से अच्छा होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।